अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। रह क्या गया है कहने के लिए? क्या बताओगे तुम मुझे? क्या ये बताओगे कि तुमने अपने ही कबीले के सरदार को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और नाकाम होने पर दोबारा उन पर हमला करने के लिए उनके ताकुब में निकल पड़े? कल शहाबुद्दीन का सर कलम होने के बाद अर्तुरुल हलब की खाक बन जाएगा और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। शहाबुद्दीन की जान बचानी है। ये खतरनाक है। काजी अफंदी, तुम्हें उस वक्त खतरा नहीं लगा जब तुम अपनी तिजोरियां सोने चांदी से भर रहे थे? शहाबुद्दीन का फैसला तो कर चुके थे तुम, तो फिर तुम्हारी आंखों में ये खौफ कैसा? हमने सब सुन लिया है। फैसला भी हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए। शुक्र है आयमा, बहुत करम है मालिक का जिसने मजीद जीने का मौका दिया मुझे। बिल्कुल ठीक कहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें अपने पोते की भी खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। हाँ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। जब से मैंने ये खबर सुनी है खुशी से निहाल है मेरा दिल। सालों से तमन्ना है कि अपने पोते को गोदों में खिलाऊं। गुंदोगदू और सिलजान का शुक्रिया कि उनकी वजह से हमें ये खुशी मिली। अल्लाह उन्हें भी अपने पोते पोतियां देखना नसीब फरमाए। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। सल्तनत बस थोड़े ही फासले पर है। निशान को उतार दो और झंडा लगाओ। हाँ
मुझे मेरा घोड़ा लाकर दो, मैं अपने नए देश में खुद सवार होकर दाखिल होऊंगा। जो हुक्म सरदार। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने कर्म से इन्हें सेहतियाब कर दिया। क्या सूरत हाल है अर्तुगरुल भाई? किले के सब दरवाजों को मुहाफिजों ने घेरा हुआ है। अकबी दरवाजा ही हमारे लिए ज्यादा कारामद है। दाखिल तो हम आसानी से हो सकते हैं, लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल होगा। जब लोगों ने वजीर आजम के मुकदमे के बारे में सुना तो वो सब लोग किले के इर्द गिर्द जमा हो गए। लोगों को यकीन है कि शहाबुद्दीन के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अगर हम शहाबुद्दीन को निकालने में कामयाब हो गए तो हम लोग भीड़ का फायदा उठाकर यहाँ से निकल सकते हैं। ये तो बस ऐसे ही बोलता है भाई, किसी की मदद हासिल किए बगैर हम जिंदान तक नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसे ही गए तो शहाबुद्दीन तक पहुंचने से पहले ही हम पकड़े जाएंगे। आप क्या कहते हैं अर्तुगरुल भाई? बताता हूं, पहले दरगाह में हलीमा की आयादत कर लूं। जी बहुत तकलीफ में है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। महल में इसका इलाज अच्छी तरह से होगा। सुनो 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 सुनो, फैसला हो चुका है। हमारे इज्जत माप अमीर अल अजीज के वजीर शहाबुद्दीन तुगरुल सिलेबियों की मिली भगत से
गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, उनका सर कलम किया जाएगा। मैं अभी जाकर इनका दिमाग ठीक करता हूँ, तभी इन लोगों को समझ आएगा। कभी ऐसा नहीं कर सकते। वजीर आजम शहाबुद्दीन तुगरुल का दोहर के बाद सर कलम किया जाएगा। पीर हजरत, हमारे भाई बुजुर्ग और साथी शहाबुद्दीन तुगरिल को उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है और हमें इससे बहुत तकलीफ है। हमें लगता है ये इल्जाम झूठे लगाए गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमारी रहनुमाई कीजिए। जिस रब ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा और उसी परवरदिगार ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जख्म के कीड़ों से निजात दी, मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील की मौजों से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से, वही परवरदिगार शहाबुद्दीन को भी बचाएगा। हम उसकी सलामती के लिए दुआ गो हैं, जिस परवरदिगार ने आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया। शहाबुद्दीन तुगरुल की भी जिंदान में वही मदद फरमाएगा, और जो लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं और उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, खुदा उन सबको अपने कहर से नेस्त व नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह। घबराओ मत तुर्क, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को अपनी दास्तान सुना भी नहीं सकोगे। बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ही अकित। क्या करने आए हो यहाँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था यहाँ। तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? हाँ। तो जल्दी बताओ किसे ढूंढ रहे हो? तुर्गुत भाई को। ये तुर्गुत कौन है? वो जो बहुत ताकतवर है, जंगजू है वो, बहुत लंबा कद है उनका और बहुत मजबूत इंसान है वो। मजबूत और ताकतवर,
अपने भाई को इतना पसंद करते हो? बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ वाकई, वो बहुत अच्छे इंसान है। आओ। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको इस हाल में यहाँ अकेला छोड़कर जाऊँ। खातून, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। ये खेल सब किस्मत के हैं, अल्लाह महफूज रखे। सफर के दौरान किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए जरूरी है आपका जाना। चले सब अंदर चले। सब लोगों का मानना है कि यही सही फैसला है। एक सरदार की हैसियत में आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। रवाना होते हैं, चलो फिर। बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे खातून। आपकी भी। खुदा महफूज रखे आपको। रुको, कौन हो तुम? काई कबीले का सरदार हूं मैं, सुलेमान शाह। हम ओवस कबीले के जानशीन हैं। हलब के अमीर अल अजीज ने हमें इस इलाके में आबाद होने की इजाजत दी है। हमें अल अजीज का हुक्म है और वाज़े तौर पर कहा गया है कि काई कबीले के लोगों को अंदर आने ना दिया जाए और हलब से वापसी पर मजबूर किया जाए।
मेरे मालिक शाहबुद्दीन, तुम आपको किश्ती होने देंगे। आराम से लिटा दो इन्हें। शाहबुद्दीन, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं गद्दार नहीं, आप लोग जानते हैं ये बात। मैंने जो कुछ किया लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए किया। कुरान मेरा पेशवा और अल्लाह मेरा गवाह है, इसीलिए मेरा सर फखर से बुलंद है। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी है और कुछ नहीं। रब की रजा के लिए मेरा सर भी हाजिर है। सरदार, क्या वापस जाना चाहिए हमें? वापस जाना सूदमंद साबित नहीं होगा दिली दमीर। कबीले के बाकी लोग भी निकल चुके होंगे, इस तरह से वो भी परेशान हो जाएंगे। रहमान, हुक्म कीजिए। जाओ किसी ऐसी जगह का मालूम करके आओ जहां हम कयाम कर सकें। या चलो आओ मेरे साथ। अब क्या होगा बाबा, हलब नहीं जाएंगे क्या हम?
बेटा परेशानी की कोई बात नहीं, जल्दी अर्तुल भाई भी आ जाएंगे, फिर कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। हम तो कामयाबी की उम्मीद लेकर आए थे, मगर यहाँ तो सारी उम्मीदों पर पानी भर गया है हायमा खानम। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होता। काय की औरतों को मजबूत रहना है और अपने बहादुर मर्दों को हौसला देना है, ताकि हमारे मर्द हर मुश्किल का शेरों की तरह मुकाबला करें। हायमा खानम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंकिस, अगर कोई परेशानी होती अर्तुरुल जरूर बता देते। मुझे यकीन है ये जो भी कहती हैं ठीक कहती हैं, मगर तुरगुत मुझे इस बार मिले बिना ही चला गया था, इसलिए शायद मेरा दिल और परेशान हो रहा है। अरे मेरी बहादुर बच्ची, क्यों परेशान होती हो? ये मुश्किल तो कोई मायने ही नहीं रखती हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत सी जंगों का सामना किया है। अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, फतह हमारी होगी इंशाल्लाह। मेरे बच्चे, ये सब आवाजें एक धोखा है, इस फरेब में नहीं आना, ये सब नजर और दिमाग का धोखा है, तुम्हारी याददाश्त को कमजोर किया जा रहा है, ये उसी जहर का नतीजा है जो इन्होंने तुम्हें दिया है। कैसे कैसे? वो जो ईमान लाए वो अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। याद रखो, अल्लाह की याद में दिलों का चैन है। अल्लाह से पनाह मांगो, बाकी सब खुदाओं को रद्द कर दो। क्या करूं मैं? मेरे बेटे मेरे साथ पढ़ो, फाल मन्नाहु ला इलाहा इल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला मेरे तुर्गुत। ला इलाहा इल्लल्लाह।
सफर दुश्वार गुजार जरूर है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो नया वतन हमारे लिए आराम और सुकून का बाइस होगा। क्या हुआ है तुम्हें? मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या आने वाले मेहमान का इसी तरह गुस्से में इस्तकबाल करोगे? हाँ, ये ठीक है। आप हमारे बेटे को नए वतन में जन्म देंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हलब हमारे लिए मुबारक साबित होगा। हो रहा है नासिर, परेशान ना हो आप अली कदर, पूरे शहर में नाका लगा हुआ है, ये निकल नहीं पाएंगे।
अच्छा हुआ नासिर, हम बाहिफाजत अपने महल में पहुंच गए। अमीर मौसम, हम अपने महफूज महल में भी सरगोशी में ही बात कर रहे हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची है, बेहतर होगा कि आप बालकोनी से दूर रहें। आप जानते ही हैं, दुश्मन हमारे करीब है और खतरा हो सकता है आपकी जान को। बालकोनी में भी कोई निशाना बना सकता है आपको, खुदा ना करे। हम तो कुछ भी समझने से कासिर हैं। क्या हो रहा है हलब में, कुछ करना होगा नासिर। सामने मेरे सिपाहियों को मार दिया। मेरे चचा शहाबुद्दीन को अगवा करके ले गए। उन गुस्ताखों ने मेरे शहर में हंगामा बर्पा कर दिया, हर जगह फसाद फैला दिया। ये अर्तुरुल के साथ आखिर कौन लोग हैं नासिर? शहाबुद्दीन और सलीबियों के साथ मिलकर जो लोग हमारा शहर हथियाना चाहते हैं, ये वही बदबख्त हैं। इन्होंने भेस बदला हुआ है, मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर ये काफिर हमारे सामने आ खड़े हुए हैं और इनकी जंग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। उन लोगों को ढूंढो और मेरे सामने लाओ नासिर। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। आप फिक्र मत करें मेरे मौसम, लेकिन आपको एहतियात की जरूरत है। गद्दार हमारे बहुत करीब मौजूद हैं। शहाबुद्दीन भी उन्हीं गद्दारों में से एक है। इस बगावत की जड़ें बहुत गहरी हैं। जिस पर हम भरोसा करते रहे वही दुश्मन निकला हमारा। जिस पर हम भरोसा करते रहे वही दुश्मन निकला हमारा। वो कहां छुप कर बैठा है? भाग गया डर कर। मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं सलजुक का शहजादा हूं। अमीर अल अजीज को शक है कि इस दरगाह में बागी मौजूद है। अगर तुम रास्ते में रुकावट नहीं बनोगे तो ताकत का इस्तेमाल हम भी नहीं करेंगे। भाई
शहजादी हलीमा महल में है।